गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत हिंदी भाषा के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए विशेष पुस्तक वितरण और सम्मान समारोह अभियान चला रहे हैं। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनपद भर से पहुंचे प्रधान आचार्यों और शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि अपनी भाषा के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग के 108 स्कूलों को हिंदी और साहित्य की पुस्तकें भेंट की है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हिंदी दिवस के रूप में ये पखवाड़े का अंतिम चरण है और इस अवसर पर हिंदी को अग्रसर करना, बढ़ावा देना पूरे देश के अंदर वन नेशन वन एजुकेशन, अपनी ये मातृभाषा राष्ट्रभाषा है, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आग्रह है। आग्रह ही नहीं तो उन्होंने तय किया कि हर स्कूल तक लाइब्रेरी होना, पुस्तकालय का होना और वहाँ हिंदी विषय को लेकर के और महापुरुषों को लेकर के साहित्यकारों के द्वारा लिखे हुई पुस्तकें ऐसे उसको वहाँ रखना। लेकिन इसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है ये हम सबको एक चिंता करने का विषय है, क्योंकि मैं मानती हूँ उत्तराखंड में हो चाहे हमारे बाकी राज्यों में है हिंदी में शिक्षा दीक्षा होती है बच्चों की, लेकिन जो अन्य जनपदों की अन्य राज्यों की हम बात करें जैसे कि अभी हमें तो हिंदी पढ़ाती ही नहीं, हमारा तो विषय ही नहीं है क्योंकि हमारी जो पढ़ाई थी वो हिंदी में है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है बोलने में, उनकी तो जैसे हम गढ़वाली बोलते हैं वैसी तो अपनी भाषा तो बोल लेते हैं लेकिन वो हिंदी वैसी बोलते हैं जैसे हम गढ़वाली बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारे गढ़वाली का टोन है वैसे तो इतनी स्पीड उनकी इंग्लिश की होगी। तो ये हम सबको एक जो इस भाषा को हिंदी भाषा को जो हमने राष्ट्रभाषा का रूप लिया है लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसका असर नहीं हुआ।